वेलकम टू द बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस इन क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड आवर चैप्टर इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पार्ट 1 टॉपिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग डेफिनेशन इफ देयर आर एम डिफरेंट वे ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट एंड एन डिफरेंट वे ऑफ अकरेंस अनदर इवेंट टू इवेंट लिया जाए पहले का जो ऑकरेंस का वे है वो यम हो और दूसरे का यन हो देन द टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इवेंट इज यम मल्टीप्लाई एन फैक्टोरियल नोटेशन द नोटेशन एन फैक्टोरियल रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर फैक्टोरियल नोटेशन को एन इस तरह से भी डिनोट करते हैं और ऐसे भी डिनोट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं एन फैक्टोरियल इक्वल टू एन माइनस वन एन माइनस टू मल्टीप्लाई डॉट डॉट थ्री मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वन मीन्स फैक्टोरियल नोटेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर परमुटेशन द परमुटेशन इज द अरेंजमेंट परमुटेशन अरेंजमेंट होता है इन डिफरेंट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन सम आर ऑल एट टाइम इट इज जनरेटेड बाई एन पी आर आर पी एन कॉमा आर एंड डिफाइंड बाई एन पी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 फर्स्ट रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड रिपीटेशन क्या होना चाहिए अलाउ होना चाहिए सेकेंड रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड सॉल्व फर्स्ट रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड देन देयर आर फाइव डिजिट क्या है 1, 2, 3, 4 and 5 लेकिन हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर तो डिजिट नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं थ्री सपोज कर लो एक नंबर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड थ्री डिजिट नंबर का रिपीटेशन अलाउड करना है देयर फोर नंबर ऑफ वे ऑफ फेल इज प्लेस इज फाइव मान लो फर्स्ट प्लेस पे है तो इसमें अगर रिपीटेशन अलाउ है तो नंबर वन भी आ सकता है टू भी आ सकता है थ्री भी आ सकता है फोर आ सकता है और फाइव आ सकता है तो यह नंबर कितना हो जाएगा फाइव तो लिखेंगे टोटल बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वे इक्वल टू एम मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई क्यू फर्स्ट प्लेस पे कितना अगर रिपीटेशन अलाउ है तो जो डिजिट है वो कितना हो सकता है फाइव नंबर ऑफ बेस कितने होंगे फाइव सेकेंड प्लेस पे देखें अगर रिपीटेशन अलाउ है तो यहाँ भी नंबर वन हो सकता है टू भी हो सकता है थ्री हो सकता है फोर हो सकता है और फाइव हो सकता है तो नंबर ऑफ बेस कितने हो जाएंगे फाइव एंड लास्ट थर्ड प्लेस पे भी सेम टू सेम वही वर्क है डिजिट अगर अलाउड है तो वन हो सकता है टू हो सकता है थ्री हो सकता है फोर हो सकता है और फाइव हो सकता है तो नंबर ऑफ बेस कितने हो जाएंगे फाइव बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ बेस इक्वल टू एम मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई क्यू फर्स्ट जो प्लेस है उसको अगर एम ले लिया जाए सेकेंड प्लेस को एन एंड थर्ड प्लेस को क्यू लिया जाए तो बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बेसिस पे इसको क्या लिख सकते हैं फाइव मल्टीप्लाई फाइव इक्वल टू 125 वे अगर रेपिटेशन अलाउ होगा तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 125
सेकेंड, रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड. रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड. अगर रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज क्या हो, नॉट अलाउड हो, तो प्लेस कितने हमारे पास, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस. लेकिन एक कंडीशन दिया गया है कि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड. अब जो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट हैं वो क्या हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5. जो नंबर फर्स्ट प्लेस पे आएगा वो फिर से सेकेंड और थर्ड प्लेस पे नहीं आएगा. मान लीजिए एक प्लेस 3 नंबर्स ले लें जो फर्स्ट प्लेस पे आ गया, तो यह फिक्स हो गया. तो हमारे पास सेकेंड प्लेस के लिए कितने डिजिट बचेंगे, 1, 2, 4, 5. सपोज करिए सेकेंड प्लेस पे अगर कोई नंबर 5 ले लें तो नंबर ऑफ बेस कितने बचे, नंबर कितने बचेंगे, डिजिट हमारे पास कितने बचेंगे, 1, 2 एंड 4. तो थर्ड जो प्लेस होगा उस पे सिर्फ 3 नंबर्स आ सकते हैं. एक नंबर फिक्स होने पे दूसरे वे में वो नहीं जाएगा. इसलिए बोला गया है रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड. तो फर्स्ट प्लेस के लिए नंबर ऑफ वे, नंबर ऑफ वे यम लिया जाए तो यम कितना हो जाएगा, 5. यहाँ पे नंबर 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं और 5. तो कितने वेज बनेंगे, 5. सेकेंड प्लेस के लिए नंबर ऑफ वे यन लेते हैं तो एक नंबर अगर फिक्स हो गया तो यह सेकेंड प्लेस पे नहीं आएगा. नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 4. एंड थर्ड प्लेस के लिए नंबर ऑफ वे क्यू लिया जाए तो कितना होगा, 3. बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वे इक्वल टू एम मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई क्यू. दिस इंप्लाइज दैट 5 × 4 × 3. 5 × 4 = 20, 20 × 3 = 60. वे इफ द रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउ देन द नंबर ऑफ वे इक्वल टू 60. थैंक यू स्टूडेंट.